फटा 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। भारत तक अब नए अंदाज में। लोकल टेररिस्ट आर नाउ रिफ्यूजिंग टू कैरी आउट ऑपरेशंस, देयर इज अदर चैलेंज दे आर फेसिंग। पहला बार हुआ हिस्ट्री में कि लोकल टेररिस्ट 100 से कम हो गया, 86-85 लोकल टेररिस्ट बच गया है पूरा कल के इनकाउंटर के बाद। बीएसएफ का हर जवान, हर सीमा प्रहरी उतनी ही दृढ़ता से, चौकसी से, कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ सीमा पर तैनात खड़ा है। वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी और आप देख रहे हैं सुरक्षा और विदेश मामलों पर आधारित आपका मनपसंद चैनल भारत तक। भारत तक में बात राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एक अहम खबर की करेंगे। दरअसल नए साल के आने से पहले ही भारतीय सुरक्षा कर्मियों द्वारा ये बताया गया था कि कश्मीर में स्थानीय आतंकियों की संख्या में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज हुई है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। हालांकि ये खबर पाकिस्तान के लिए बुरी होने के साथ साथ परेशानी भरी भी साबित हुई। तभी तो इन दिनों पाकिस्तान के पालतू आतंकी सीमा को पार करने की कोशिशों में जुटे हैं। हालांकि पाकिस्तान की यह कोशिश हर दिन नाकामयाब हो रही है, कैसे आगे आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा कर्मियों की चौकसी हर दिन के साथ सख्त और कड़ी होती जा रही है। खास तौर पर बॉर्डर पार से होने वाली घुसपैठ को लेकर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने अपने मोर्चे को और ज्यादा मजबूत कर लिया है। हमारे बहादुर बीएसएफ के सीमा प्रहरी कितनी कठिन परिस्थितियों में हिमाचल पहाड़ियों पर रिजेज पे, हाई रिजेज पे सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। इसके परिणाम में अब हर दिन पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ के नाकाम होने की खबर सामने आ रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर में लगातार दूसरे दिन घुसपैठ की वारदात सामने आई। जम्मू के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया गया। वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर में सुरक्षा कर्मियों ने लश्कर के A++ कैटेगरी के एक आतंकी सलीम पर्रे को मार गिराया। इससे पहले शनिवार को कुपवाड़ा जिले के जुमागढ़ में एक आतंकवादी को मार गिराया गया था। दरअसल ये आतंकवादी सीमा पार से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, जिसे सुरक्षा कर्मियों द्वारा मारा गया। गौरतलब है कि सर्दी के मौसम में सीमा पार से आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी होती है, जिसको देखते हुए बीएसएफ के जवान समेत भारतीय सुरक्षा कर्मी और भी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर में साल 2021 के दौरान सुरक्षा बलों ने 100 से भी ज्यादा सफल ऑपरेशन मिलिटेंट संगठनों के खिलाफ किए और बड़े और प्रमुख कमांडर मार गिराए। यही कारण है कि सुरक्षा बलों और सेना को अब खदशा है कि सर्दियों के दौरान घुसपैठ बढ़ सकती है, क्योंकि गर्मी के महीनों के दौरान जब ज्यादातर घुसपैठ होती थी, सेना की चौकसी और सुरक्षा बलों की निगरानी के चलते घुसपैठ में काफी कमी लाई गई। लेकिन जिस अंदाज से खुफिया जानकारी सेना और सुरक्षा बलों को मिल रही है, उस बीच घुसपैठ की कोशिशों में सर्दियों और बर्फबारी के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है। यही कारण है कि सेना के साथ साथ अब सीमा सुरक्षा बल ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी और निगरानी बढ़ाई है। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर। दरअसल साल के अंत में सेना द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय आतंकियों की संख्या में भारी कमी आई है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया था कि हमने पूरे कश्मीर में पहली बार 200 आतंकियों के आंकड़े को तोड़ दिया है। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब स्थानीय आतंकियों का आंकड़ा 100 से भी नीचे चला गया। पहला बार हुआ है कि टोटल नंबर 200 से कम हुआ है टेररिस्ट का पूरे कश्मीर में, और पहला बार हुआ हिस्ट्री में कि लोकल टेररिस्ट 100 से कम हो गया, 86-85 लोकल टेररिस्ट बच गया है पूरा कल के इनकाउंटर के बाद। इसके बाद पाकिस्तान में बौखलाहट बढ़ गई है, जिसे देखते हुए पाकिस्तान अपने पालतू आतंकियों को बॉर्डर पार करने में मदद कर रहा है। पाकिस्तान अपने आतंकियों को यहाँ भेज कर यहाँ की शांति को भंग करने का प्लान बना रहा है। I think sir, situation on line of control is absolutely fine. While ceasefire is holding, you're well aware. And people have gone about their routine activities. They're pretty happy on either side of LC. पाकिस्तान की हर हरकत पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर बनी हुई है, जिसे देखते हुए सीमा पर सुरक्षा के लिए डटे बीएसएफ के जवान लगातार मुस्तैदी से बॉर्डर पर नजर बनाए हुए हैं, जिसके तहत इन आतंकियों को मार गिराया गया है।
अब आतंक के गढ़ पाकिस्तान को यह समझ जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का युवा बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, जहां वो अपने बेहतर भविष्य की कल्पना करता है, लेकिन फिर भी आतंक परस्त पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देने की कोशिश करता है तो उसका जवाब भारतीय सुरक्षाकर्मी भी देना जानते हैं। और फिर ये तो जाहिर है कि सर्दी हो या गर्मी, भारतीय सुरक्षाकर्मी हर परिस्थिति में आतंक का जवाब देने का मादा रखते हैं। कैसी लगी ये खबर कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।